संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति के बैनर तले आज समस्त कर्मचारियों ने लंच अवकाश के दौरान पैदल मार्च निकालकर केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और निजीकरण व डीआई के विरोध में प्रदर्शन किया। इस मौके पर सभी ने राज्यपाल प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर देश में बढ़ रहे एफडीआई व निजीकरण का विरोध जाहिर किया। संयुक्त समन्वय श्रमिक समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार मजदूरों को दिए गए अधिकारों का हनन कर रही है, जिसके चलते मजदूरों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे में सभी कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं और ये आंदोलन आगामी दिनों में भी जारी रहेगा। 27 जुलाई को संसद में एक विधेयक रखने का कार्य किया है और इसमें जो देश के संविधान में 40 कानून एक्ट श्रमिकों के हित में, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बने हुए हैं, उन तमाम कानूनों को समाप्त करके और चार नए कानून बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसका देश भर के तमाम श्रमिक संगठन विरोध कर रहे हैं और आज 2 अगस्त को पूरे देश में सभी श्रमिक संगठनों ने विरोध करके और भारत सरकार से निवेदन करने का काम किया है कि इस देश की 70% से अधिक जनसंख्या मजदूरों की श्रेणी में आती है और मजदूरों के जो ट्रेड यूनियन अधिकार है, मजदूरों के जो मिनिमम वेजेस का अधिकार है, मजदूरों का जो हड़ताल करने का एक अधिकार मिला हुआ है, मजदूरों का जो ग्रेचुटी और पेंशन का अधिकार है, इन अधिकारों की रक्षा के लिए इस विधेयक को या विराम देने का कार्य करें और जो संशोधन कानूनों में संशोधन किया जा रहा है उसे रोकने का कार्य करें और श्रमिक संगठनों को विश्वास में लेकर के जो भी कानून बनाना है उन कानूनों में परिवर्तित करने का कार्य हो। इसके लिए हम आज कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन लेके आए हैं और ये कलेक्टर महोदय के माध्यम से भेजने का कार्य कर रहे हैं।